कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इसी के साथ भारतीय रेलवे ने भी ऐलान किया था कि लॉकडाउन हटने तक यात्रियों के लिए सभी ट्रेनें बंद रहेंगी। गौरतलब है कि पहली बार लॉकडाउन के ऐलान से ही ट्रेन बंद है, जिसका रेलवे को खासा नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। वहीं खबर आ रही है कि लॉकडाउन में नुकसान झेल रहा रेलवे अब अपने कर्मचारियों के भत्ते और वेतन में कटौती करने की सोच रहा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेल मंत्रालय 13 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन व भत्ते में कटौती करने की योजना बना रहा है। रेलवे के अनुसार ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को भत्ता क्यों दिया जाए? लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे पहले ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। बता दें कि इस योजना के चलते ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला भत्ता नहीं दिया जाएगा। TADA सहित ओवरटाइम ड्यूटी के भत्तों को समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 50% तक की कटौती की जा सकती है। इसके अलावा इस योजना के तहत मरीज देखभाल किलोमीटर समेत नॉन प्रैक्टिस भत्ता में 1 साल तक 50% कटौती की जा सकती है। वहीं अगर कर्मचारी 1 महीने ऑफिस नहीं आता है तो परिवहन भत्ता 100% कटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के पढ़ाई भत्ता के लिए 28,000 मिलते हैं, जिसकी समीक्षा अभी होना बाकी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।